हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को जय माता दी। और आपको बता दिया जाए कि हम इस समय आए हुए हैं रामनगर में स्थित, यहाँ पे एक मूर्तिकला केंद्र है, वहाँ पे आए हुए हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि यहाँ मूर्तियाँ कैसे बनती हैं। अगर आपको कोई भी मूर्ति अगर आपको कहीं बैठाने हैं या कुछ भी करनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर के देखिए, आप यहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति हमारे बगल में ही है और गणेश जी की मूर्ति यहाँ बनी रही है। तो अभी आपको जो नवरात्र पड़ने वाली है, गणेश महोत्सव पड़ने वाला है, उसमें अगर आपको मूर्ति कहीं से लेनी है तो यहाँ पर आप आकर। पहले जो होता है वो भगवान की मूर्ति बनाने के लिए ये भूसे से जो है पूरा कवर कर दिया जाता है, उनका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको पूरे भूसे से पूरा कवर कर दिया जाता है, जैसे कि मजबूती पकड़ ले मिट्टी में। पहले मिट्टी इस्तेमाल नहीं करते, देखिए पहले देखिए एकदम भूसे से जो है यहाँ पर बनाया गया हुआ है। ये ऊपर से भूसा जो है अलग से लगा दिया गया, देखिए नीचे चेहरे चेहरे रखे हुए हैं, फिर मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी का देखिए यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, उसी जो भूसे का जो उन्होंने बनाया है उस लेयर पर जो है ये मिट्टी चढ़ा देते हैं। और इसके बाद क्या होता है अभी आपको दिखाते हैं हम। अभी देखिए यहाँ पर दुर्गा माता की मूर्ति बन रही है, देखिए ये फाइनल लुक आता है आखिरी में जब पूरा मिट्टी उट्टी बन जाता है, उसके बाद जो है हाथ वाथ बना दिए जाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर शंकर भगवान की ये जो मूर्ति है, शंकर और गणेश जी की मूर्ति जली है, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति। देखिए हाथ अभी हाथ नहीं लगाए गए हैं, हाथ सबसे आखिरी में लगाए जाते हैं। इसकी और जानकारी हम लेते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आज हम आए हुए हैं यहाँ मूर्ति कला केंद्र में, जो कि रामनगर पड़ता है। आइए जानते हैं पहले कि यहाँ के जो ओनर हैं उनका नाम जानते हैं और फिर जानते हैं मूर्ति कब से बन रही है। तो भाई अपना नाम बताइए। हमारा नाम बजरंग प्रसाद प्रजापति है। अच्छा, ये मूर्तियाँ कब से यहाँ बन रही हैं? यहाँ राणा नगर कैलाशपुरी में हम लोग यहाँ 14 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम यहीं रायबरेली के रहने वाले हैं। लमसम 20-25 साल हमारा काम करते हो गया है। तो ये मूर्तियाँ यहाँ इको फ्रेंडली बनती हैं या कोई और चीज़ का भी इस्तेमाल किया जाए? नहीं, ये तो सिर्फ मिट्टी की बनती हैं और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होता है। बांस है, पैरा है, लकड़ी है, बालू मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, इन्हीं द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये जो मिट्टी आती है यहाँ से, ये मिट्टी कहाँ से आती है? यहीं गाँव से अपना ले आते हैं, जैसे गाड़ी वाले हैं, छोटा हाथी है, इससे बोल देते हैं तो अपना चिकनी मिट्टी ले आते हैं। यहाँ शहर में उपलब्ध नहीं है, सब गांव साइड से ही आ जाते हैं। अच्छा, एक मूर्ति निर्माण करने में लगभग कितना समय लगता है? एक मूर्ति के लिए तो हम क्या बताएं, हमारा लोगों जो काम चलता है वो हमारा 3-4 महीने लमसम चलता है। उसमें एक मूर्ति ने हम लोग एक टारगेट बना लेते हैं कि हमारी इतनी मूर्ति बनना है, तो रातों दिन हम लोग उसी में लगे रहते हैं। और वैसे एक मूर्ति अगर बनाई जाए, जैसे मूर्ति भी है कई तरीके की होती हैं, छोटी होती बड़ी होती हैं, उसी हिसाब से मान लो हफ्ता भर से ज़्यादा ही लगेगा समय अगर एक मूर्ति बनाएंगे तो। अच्छा, आपके यहाँ कौन कौन सी भगवान की मूर्ति बनाई जाती हैं? हमारे यहाँ तो अभी जो है गणेश पूजा की मूर्तियाँ बनने लगी हैं, दुर्गा जी की तो बनती ही थी हैं, और विश्वकर्मा जी के भी ऑर्डर आ जाते हैं, और दिवाली में भी हम लोग थोड़ा रेडीमेड ले आते हैं। गणेश लक्ष्मी की भी दुकान लगाते हैं रायबरेली में। हाँ, अभी दुर्गा माता की मूर्तियों को हम आपको थोड़ा बाद में दिखाएंगे, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं काफ़ी कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है, तो बाद में दिखाएंगे पूरा वीडियो। उसका कलर होने के बाद गणेश भगवान की मूर्ति कुछ इस प्रकार लग रही है। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। बहुत ही सुंदर सी मूर्ति देखिए यहाँ पे बन के आई है और बिल्कुल एकदम उभर के रंग आया है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति जो है यहाँ पे आई है। और आप सभी को एक बार फिर से गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और एक बार कमेंट में सभी लोग लिख दीजिएगा गणपति भगवान की जय। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।